शांति। आज मीठे बाप दादा के 19 तारीख की वाणी को अनुभव करते हुए धारण करेंगे। स्वयं को बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। मेरा बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी संगम पर बहुत बहुत साधारण रहना है। बाबा कहते, बच्चे तुमको दैवी करैक्टर्स धारण करने हैं। बाबा कहते, बच्चे चेक करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा कहते, बच्चे अपना चार्ट रखो, याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। बाबा कहते, बच्चे याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। बाबा कहते, तुम्हारा ईश्वरीय पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट बुद्धि बल द्वारा विमर्श करेंगे अपने एम ऑब्जेक्ट को। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा कहते, बच्चे इनको देख, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, हम स्टूडेंट हैं। स्वयं को इस सम्मान में स्थित करेंगे। हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। संगम युग में हमको ईश्वर बाप पढ़ाते हैं। हम ईश्वरीय स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। हम स्वयं भगवान बाप के द्वारा ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा से कनेक्टेड हो, अपने इस सम्मान में स्थित होंगे। बाबा कहते, तुम्हारे पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, इनको लक्ष्मी नारायण को देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा बहुत
शिव ऊंचते ऊंच भगवान है, भक्तों का रक्षक है। बाबा कहता भक्त भी सब हैं, अब संगम पर तुमको ज्ञान सागर बाबा के द्वारा ज्ञान मिला है, तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए तुमको सद्गति मिल जाती है। इमर्ज करेंगे सुख धाम को, सद्गति को, जीवन मुक्ति के वर्षे को। सुख धाम बाबा द्वारा मिला वर्षा, जीवन मुक्त अवस्था, संगम की पुरुषार्थ की प्रारब्ध, बाबा कहते एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। बाबा कहते ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। बाबा कहते फिर जब दुख होता है तब बाप आते हैं। बेहद का बाबा समझाते बच्चे ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। बच्चे तुम काम विकार पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बेहद के बाप को शिव बाबा को कितना ऊना रहता है, हमारे बच्चे सुखी रहें। बेहद का बाप कहते तुम सुख धाम सत्युग में जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। बाबा कहते बच्चे तुमको अथाह धन मिल जाता है। बेहद का बाबा भोलानाथ शिव से, तो अब श्रीमत पर पवित्र बनो। बाबा कहते बच्चे यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा यह ज्ञान योग गुप्त है। बेहद का बाबा शिव भोलानाथ समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग। ये बेहद का बाबा ही बैठ समझाते। बाबा कहता शक्ति
भारतीय सेना ने जीत पाई है योग बल से। बेहद का पाप है ना। बाबा कहता है तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तुम अभी स्टूडेंट हो, वन वाह में हो। बाबा कहता बच्चे बिल्कुल साधारण रहना है। बाबा कहता वहाँ सुख धाम में तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, अभी तुम संगम पर बेहद बाबा के भगवान टीचर के स्टूडेंट हो। भगवान टीचर कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। स्वयं को स्थित करेंगे मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, संगम युग में भगवान का स्टूडेंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने वाली मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण शिव बाबा का बच्चा। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, शिव बाबा से योग युक्त स्थिति में बाबा की मुरली को अनुभव करते हुए स्वयं में धारण करते जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्म अभिमानी बनने की मेहनत अभी मिलती है। बेहद का बाबा आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहते जीत होती है साइलेंस घमंड की। ड्रामा में नूंद है, तुमको शांति में रहना सिखाया जाता है। बाबा को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं, अभ्यास करेंगे मैं आत्मा देह से न्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहता बच्चे सजा कौन खाती है, आत्मा। बाबा कहता उस समय साक्षात्कार होता है, फील होता है। बाबा कहते मीठे आत्मा बच्चों अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना पोता मेल रजिस्टर बेदाग रखो। बाबा कहते अभी तुम श्रीमत पर लक्ष्मी नारायण जैसा करैक्टर बनाते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसा बनते हैं। बाबा कहता
यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की अब स्थापना हो रही है श्रीमत पर। बाबा कहते इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में चाल चलन को सुधारा जाता है। बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो तो सुधार होगा। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। बाप कहते बच्चे तुम जानते हो हम इस 84 के चक्कर को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। बाबा कहता कितना सहज है, फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। बाबा कहता अपना चार्ट रखो। कितना समय बाबा को याद किया? बाबा कहता याद के बगैर जंक उतर नहीं सके। तट उतारने के लिए कर्म करते भी विजुलाइज करेंगे, कर्म करते भी पाप की याद में रहना है। बाबा कहते पुरुषार्थ करते हो तो फल मिल जाएगा। मेहनत है ना? बाबा कहता इतना ऊंचा पद देते हैं तो मेहनत करनी है। बाबा कहते पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है शिव बाबा से, ब्रह्मा के द्वारा हम यह बन रहे हैं। बाबा कहते कहाँ भी जाते हो तो बैच पड़ा रहे। वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है, समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबा कहता है बहुत मीठेपन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी बाबा कहता है समझाना है। तुम बाप को जानते हो, वो बेहद का बाबा, पतित पावन सुख का सागर है। उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। अप्रीत बुद्धि बन श्रीमत पर चल, पावन बनो। बाबा कहते तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पद्म पति बनने वाले बच्चे, तुमको सब कुछ मिल जाता, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। बाबा कितना प्रेम से लेकर आते। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर
के लिए देंगे, इसीलिए कहा जाता है दाता। बाबा कहता, भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो। अब श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपने तन मन धन को सफल कर बाबा से विश्व की बादशाही लो। ये तो है जन्म जन्मांतर की बात, बाबा की है ईश्वरीय पाठशाला, बहुत आकर सुख पाते हैं, नशा चढ़ जाता। बाबा कहते, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, विनाश का साक्षात्कार भी कराया, ड्रामा में ये पार्ट था, गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। बाबा कहते, बच्चे भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े हैं, तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना चाहिए, हम यह बनते हैं। बाबा कहता, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर, इस समय की बात है। बेहद का बाबा कहते, बच्चे मैं जो राय श्रीमत देता हूँ उस पर फॉलो करो। बाबा को सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना, भोला नाथ है। अभी तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनाते। बाबा कहते हैं, हेल को हेविन बनाना कितना बड़ा जादूगर है, फिर सौदागर भी है। बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। भोलानाथ बाप तुम्हारा कखपन चावल मुट्ठी लेकर तुमको महल देते हैं, कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है ना। तो अब श्रीमत पर अपना कखपन सफल करना है। बाबा कहते, तुमको अभी भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है, कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति विश्व का मालिक बनाते हैं। ये है पढ़ाई, तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को, गीता में है भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। बेहद का बाबा है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह
कहते हैं ना, पैराडाइज भारत परिस्तान था, तुम परिस्तान के मालिक थे। अभी बेहद का बाबा आए हैं संगम पर सोए हुओं को जगाने, तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते। बाबा कहते ये गीत आदि की भी ड्रामा में नोंद है, कोई गीत बहुत अच्छे हैं बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। बाबा कहते अब ये रात पूरी होती है, बाबा कहते बच्चे यह बैच सबको सदैव पढ़ा रहे, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम्हारे पास सबसे पुरानी चीज प्राचीन योग है ना, तुम बेहद के बाबा की सुप्रीम कमांडर की रूहानी मिलिट्री हो ना। बाबा कहता मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है, तुम बच्चों को भी ये नशा रहेगा, हम श्रीमत पर लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाबा कहता देवताएं हैं श्रेष्ठ, बाबा के द्वारा संगम पर पुरुषार्थ कर देव पद प्राप्त किया है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, बाबा के सम्मुख स्वयं को अनुभव करेंगे, बाबा की विशेष रूहानी दृष्टि को लेते हुए बाबा का याद प्यार गुड मॉर्निंग स्वीकार करेंगे और प्यारे बाबा को बहुत प्यार भरी रिगार्ड भरी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अनुभव करेंगे मैं आत्मा संगम युग पर ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरी इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, श्रीमत पर मैं आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर संगम पर दैवी गुणों की धारणा कर अपने बाबा से वर्षा ले रही हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अभी सौदागर बाबा से
कखपन का सौदा कर बाबा से महल लेने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ज्ञान रत्नागर बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों को लेने वाली मैं बाबा की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अल्लाह के बगीचे का फूल हूँ। रूहानी मिलिट्री का रूहानी कमांडर की कमांड एंड कंट्रोल में चलने वाला मैं बाबा के रूहानी मिलिट्री का मेंबर हूँ। अभी बाबा से वरदान लेते हैं। वरदान को अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। बाबा वरदान में कहते बच्चे आ शरीरीपन, आ शरीरीपन के इंजेक्शन के द्वारा मन को कंट्रोल करने वाली एकाग्रचित आत्मा भव। अभ्यास करेंगे अशरीरी स्थिति का। एकाग्रचित होके दृढ़ संकल्प करेंगे मैं अशरीरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे अपने विदेही स्वरूप पर। बस एक दिव्य चमकता हुआ चैतन्य प्रकाश का मणि मैं अशरीरी विदेही आत्मा स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ये बहुत पावरफुल स्टेज है। स्टेज पर स्थित होने से मैं आत्मा बहुत शक्ति का, शांति का अनुभव करती है। नेचुरल रीति बाबा से योग युक्त हो जाती है। बस मैं चमकता हुआ चैतन्य प्रकाश का मणि अशरीरी आत्मा कुछ क्षणों के लिए इसी स्वरूप में स्थित हुआ स्टेज का अनुभव करेंगे। अभी बाबा कहते अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो। इमर्ज करेंगे मैं पूर्वज आत्मा, मैं पूर्वज आत्मा रहम दिल आत्मा सर्व आत्माओं पर रहम कर सबको भटकने से छुड़ाने वाली बाबा से जोड़ने वाली
रहम दिल, पूर्वज आत्मा। बाबा ने जो सम्मान दिया उसको कर्म करते हुए बीच बीच में अटेंशन द्वारा अभ्यास करते हुए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।